वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपके जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के गवर्नर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जो मैप में आपको दिख रहा है यही साथियों है उत्तराखंड। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? तो 3 है। और लोकसभा कितना है? तो 5 है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और यह भारत का 27वां राज्य है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना किस राज्य से अलग होकर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी। साथियों, कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को और यह भारत का 27वां राज्य है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितना है? तो 70 है विधानसभा सीट। फिर से एक बार देखते हैं, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और यह भारत का 27वां राज्य है। डिस्ट्रिक्ट कितना साथियों यहाँ पे है? तो 13 है। और विधानसभा सीट कितना है? तो 70 है यहाँ पे विधानसभा सीट। साथियों, अब उत्तराखंड के नेशनल पार्क को देखते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। साथियों, 1936 में एक राज्य की भी स्थापना हुई थी, तो वो कौन सा राज्य था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा नदी निकलती है और इसीलिए इसका नाम भी हो गया साथियों, नया नाम हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, राम गंगा नेशनल पार्क। तो साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में है राम गंगा नेशनल पार्क। साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है। साथियों, राम गंगा नदी ये निकलती कहां से? तो राम गंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। साथियों, कहां से? तो यह नैनीताल के समीप से निकलती है, नैनीताल झील से साथियों निकलती है। और यह कहां मिल जाती है? तो कन्नौज में गंगा नदी से जाके साथियों यह मिल जाती है। अब गंगा नदी, तो गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, मैंने जब आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था दो नदियों के बारे में, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरी गंगा। साथियों, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, स्वर्णरेखा नदी भी साथियों बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अब साथियों, कोसी नदी गोसाई थान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और कटिहार में गंगा नदी में मिलती है। साथियों, कहां पर? तो कटिहार में गंगा नदी में जाकर के साथियों यह मिल जाती है कोसी नदी। साथियों, मैंने 3 नदी के बारे में आपको बताया, राम गंगा नदी कहां से निकलती है? तो नैनीताल झील से निकलती है और कहां जाके मिलती है? तो कन्नौज में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। साथियों, कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। और गंगा नदी साथियों गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और कटिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब साथियों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहां है साथियों? तो उत्तराखंड में है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। कौन कौन से साथियों? तो मैंने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नया नाम है राम गंगा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। साथियों, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य राजाजी नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में। साथियों, ये मैप दिख रहा होगा साथियों, यही साथियों है मैप में साथियों उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की सीमा लगती है किससे? तो चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? तो चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है साथियों, हरियाणा से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है उत्तराखंड की सीमा साथियों। साथियों, टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, कहाँ पर है, तो देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का साथियों मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। और चिब्रो विद्युत संयंत्र ये भी साथियों उत्तराखंड में है। खोदरी विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है खोदरी और चिब्रू विद्युत संयंत्र। साथियों चिल्ला विद्युत संयंत्र ये भी साथियों कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। माउंट बलवाला पर्वत उत्तराखंड में है जिसकी ऊंचाई है 21,050 फीट। उत्तराखंड में तीन प्रमुख दर्रे हैं, लेपुलेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। यह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। साथियों उत्तराखंड के प्रमुख झील को देखते हैं, तो नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में साथियों प्रमुख धार्मिक स्थल है जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ के धार्मिक स्थल है। साथियों देखो कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री जो है वो लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल करते हैं। कौन से दर्रा का, तो लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल करते हैं। साथियों अब बात करते हैं उत्तराखंड की सीमा के बारे में, तो उत्तराखंड की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से और चीन से उत्तराखंड की साथियों सीमा लगती है। साथियों ये था साथियों आपका उत्तराखंड के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाया। साथियों तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।